लास्ट वीडियो का टॉपिक था हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, और जिन्होंने देखा है उन्होंने पार्ट टू की डिमांड की है कि हाउ टू कंसीव फास्ट। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं बहुत जल्दी और कुछ टिप्स जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव टिप्स देने वाली हूँ। लाइफ में कभी ना कभी तो आप प्रेग्नेंट होना जरूर चाहोगे, या अगर अभी भी प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हो तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए जो आपको 100% रिजल्ट दे करके जाए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, गायनेकोलॉजिस्ट के कुछ टिप्स और फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। एंड तक वीडियो देखोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले मेरा इंस्टा आईडी है रेखा बी नेचुरल, वहां फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। प्रेगनेंसी और लाइफस्टाइल जर्नी व्लॉग देखना चाहते हो तो डू फॉलो मी ऑन मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा हमारी शादी को 9 साल हो गए और 9 साल बाद ये प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई है, वो हार्डली 1 महीना रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 साल से हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, हम मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली रेडी नहीं थे इस चीज के लिए। अपने आप को रेडी करने में हमने टाइम दिया और उसके बाद जब हमने डिसाइड किया कि हाँ अब हमें फैमिली प्लान कर लेना चाहिए, तो उसके बाद हमने कुछ बहुत सारे टिप्स फॉलो किए। जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो 6 हफ्ते के बाद से सही नहीं थी। मेरे को 9th वीक में पता चला था कि मेरा मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। अब वो किसी का भी कभी भी हो सकता है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो सेकंड प्रेगनेंसी के लिए जब हमने सोचा कि चलो अब ट्राई करते हैं, तो विद इन फ्यू मंथ्स, लाइक हार्डली 2 महीने लगा होगा और 3rd महीने में मैंने कंसीव कर लिया था। तो वो टिप्स इतने इफेक्टिव थे कि क्विकली मुझे उसका रिजल्ट मिला। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो फॉलो करें अगर आप प्रेगनेंट होना चाहते हैं। अपने प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस से मैं आपको टिप नंबर 1 देना चाहती हूँ। प्री कंसेप्शन चेकअप के लिए आप जरूर जाएं। इसमें क्या होता है कि आपको डॉक्टर के पास पहले ही विजिट करना होता है जब आपने मेंटली आप तैयार हो गए कि चलो अब हमें फैमिली प्लान करना है। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, हस्बैंड वाइफ दोनों जाओ और उनसे बात करो इस बारे में कि हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, अब तक हम प्रिवेंशन के लिए ये चीज यूज कर रहे थे और अब हम चाहते हैं प्रेगनेंट होना, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वो आपको बहुत सारे टिप्स वैसे ही दे देंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि मुझे क्या टिप्स दिया उन्होंने। सबसे पहले तो मुझे बोला था, जब मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान किया था तब वाले विजिट में डॉक्टर ने बोला था कि आप अपना बॉडी चेकअप कराओगे, 7-8 टेस्ट उन्होंने मुझे बोला था करने के लिए, वो मैंने कराया था इंक्लूडिंग थायराइड। जब रिजल्ट आया तो मेरे को थायराइड निकला, और थायराइड अगर आपका बड़ा हुआ होता है तो थायराइड के साथ प्रेगनेंसी प्लान करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी आप प्लान नहीं कर सकते हो। आई वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम, क्योंकि हम लोग एक तो बड़ी मुश्किल से इतने सालों बाद रेडी हुए थे, अब डॉक्टर ने ब्रेक लगा दी बोल करके कि नहीं अभी आप नहीं कर सकते, पहले आपको अपना थायराइड बैलेंस में लिख के आना होगा। तो ऐसी अगर आपकी बॉडी में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो ना हो, जब तक आप चेकअप नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा, है ना। आप चेकअप करा लेना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद। उन्होंने मुझे बोला 2-3 महीने आपको इंतजार करना चाहिए, जब आपका थायराइड लेवल में आ जाएगा उसके बाद आप प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद मैंने प्लानिंग की और मेरा थायराइड बैलेंस में आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मिस्ड अबॉर्शन हो गया था। अब उसके रीजन अगेन आई विल शेयर इन सम अनदर वीडियो, लेकिन ये टिप फॉलो जरूर करना आप लोग। वो तो बस किस्मत थी, वो हादसा हो गया, जरूरी नहीं है सबके साथ हो ऐसा। उस बात को इग्नोर करेंगे, लेकिन इस बात पे फोकस करेंगे कि प्रीकंसेप्शन चेकअप के लिए हम जरूर जाएंगे डॉक्टर के पास अगर फैमिली प्लानिंग करनी होगी। नाउ सेकंड टिप की बात करते हैं। अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट में कुछ भी नेगेटिव नहीं आता है, मतलब कि आपको थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ परफेक्ट आया है, और अगर नहीं भी आया तो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे, बोल देंगे आपको ये मेडिसिन खानी है। आप अगर सोचते हो कि आपको प्रेग्नेंट होना है तो सबसे पहला आपका दूसरा एक्चुअली स्टेप होना चाहिए कि आप हेल्दी खाओ, घर का खाओ, हेल्दी खाओ, सारा बैलेंस्ड फूड खाओ, बाहर का खाना छोड़ दो और एक्सरसाइज भी करो, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो प्रेगनेंसी के लिए। आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं मेंटली, इमोशनली, तो बॉडी को रेडी करो, ठीक है। इमोशनली तो आप हो ही जाओगे रेडी, लेकिन फिजिकली रेडी करने के लिए आप एटलीस्ट वॉक करना स्टार्ट कर दो। दिन में आधा घंटा वॉक करोगे काफी है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक तो जरूरी करो। थर्ड टिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप डॉक्टर को विजिट करते हो तो वो आपको प्री नेटल विटामिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रेगनेंट हो गए तभी आपको मेडिसिन खानी होती है, प्रेगनेंसी से पहले से ही आपको आपकी बॉडी को रेडी करना होता है। और ये मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके ओवुलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ करता है, आपके एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो मतलब आपका जो बेबी होता है उसको फर्स्ट फ्यू वीक्स में एम्ब्रियो कहते हैं। प्रीनेटल मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है, वो आप रेगुलरली लिया करो। फोर्थ टिप में बात करते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए शराब नहीं पीना, स्मोक नहीं करना, और कैफीन का इंटेक कम कर देना। दिन में 1/2 कप कॉफी काफी है, अवॉइड करो कैफीन, क्योंकि ये आपके ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन
रियलाइजेशन में एक बाधा बनता है प्रेगनेंसी। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कैफीन को डॉक्टर मना करते हैं अवॉइड करो। नाउ फिफ्थ टिप आपका ये है कि आप चाहो तो आप अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी विमेन बॉडी बेसल टेम्परेचर यूज करती हैं अपने ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए, या फिर आप ओवुलेशन किट आती है वो यूज कर सकते हो, कैलेंडर चार्ट ऐप बहुत कुछ आता है। पर ये सब करने में किसी किसी को स्ट्रेस हो जाता है और देन स्ट्रेस की वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हो। तो अगर आपको लगता है ये आप नहीं करना चाहते हो तो सिंपल स्टेप मैं आपको बता देती हूँ जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला था कि ये तो जरूरी कर लेना। जैसे आपका पीरियड आता है, आपके पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 25वें दिन तक हर एक दिन छोड़ करके आप इंटीमेट हो अपने पार्टनर के साथ, तब आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 99% केसेस में आप प्रेगनेंट हो जाओगे अगर आपकी बॉडी में और कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ओवुलेशन सही से हो रहा होगा, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन आप सेक्स करो अनप्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन के साथ ऑफकोर्स नहीं करना है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, माँ बनने की जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप सोचो एक दिन क्यों छोड़ू, मैं तो डेली कर लेती हूँ। डेली करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि डेली करते हैं तो स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, उनकी स्पीड उनकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है, इसीलिए आपको गैप देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 4 दिन में एक बार कर रहे हो, तो फिर स्पर्म आपके ओल्ड हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी सही नहीं रहती है, वो ज्यादा स्विम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मतलब स्विम करके फटाफट से अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक दिन छोड़ करके करो, वो बहुत ही अच्छा रहता है। एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स, ये वाला टिप बहुत ही इफेक्टिव रहा है कई विमेन के लिए। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग इंटीमेट होते टाइम ल्यूब्रिकेशन यूज करते हैं, लूब वगैरह, वो अवॉइड करना, क्योंकि बहुत सारे लूब्स ऐसे होते हैं ना जो आपके स्पर्म की क्वालिटी खराब कर देते हैं, वो स्विम नहीं कर पाएंगे, वो जल्दी डेड हो जाएंगे और अच्छा नहीं रहेगा। आप स्पर्म फ्रेंडली ल्यूब्रिकेशन डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज रैंडम कुछ भी यूज मत कर लेना, दैट विल बी नॉट गुड फॉर यू। सिक्स्थ टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लड़कियों को इसके बारे में पता होता है। अगर आप वाकई में प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो जब आप इंटीमेट हो रहे होते हो उस दौरान आप एक पिलो अपनी बैक के नीचे रखो। आप ट्राई टू डू इन मिशनरी पोजीशन एंड व्हाइल यू आर लाइंग डाउन ऑन योर बेड पुट अ पिलो, कैसा भी पिलो लो और अपनी कमर के पीछे रखो एंड देन यू परफॉर्म। जैसे ही एजेकुलेशन हो जाता है आपको फ्रीज हो जाना है सेम पोजीशन में, आपको और आपके पार्टनर को बिल्कुल मेल फीमेल को हिलना नहीं है, वैसे ही रहना है उसी पोजीशन में। कम से कम 5 से 10 मिनट तक सेम पोजीशन में रहो। इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है बट ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप ये जरूर ट्राई करना। नो मूवमेंट, जस्ट फ्रीज स्टैचू फॉर अ व्हाइल। तो जैसे कि मैंने लास्ट टिप में आपको बताया कि मेल फीमेल को फ्रीज होना है 5-10 मिनट के लिए सेम पोजीशन में, 10 मिनट खत्म हो जाते हैं उसके बाद पार्टनर को बोल दो हटने के लिए एंड देन आप सेम लेटे रहो, उसी पोजीशन में लेटे रहो। और कोशिश करो अगर आप लेग रेजिंग पोजीशन कर सकते हो तो वो बेस्ट रहेगा, लेग रेज करके अगेन 10-15 मिनट के लिए लेटे रहो या आधा घंटा के लिए नॉर्मली लेटे रहो। उठना नहीं है, वजाना वॉश नहीं करनी है, बाथरूम नहीं जाना, पी नहीं करना, आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा लेटे रहो, कोई मूवमेंट नहीं करनी। ये करोगे तो आपके जो स्पर्म होंगे वो अच्छे से उनको टाइम मिल जाएगा स्विम करके अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए, मतलब एग के पास पंप पहुंच जाएगा, फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन वगैरह सारा प्रोसेस स्मूथली होता रहेगा आने वाले 2-3 दिनों के अंदर। ऐसा नहीं है कि अभी आपने सेक्स किया अभी प्रेग्नेंट हो गए, नहीं, स्पर्म का आपके एग तक पहुंचने में टाइम लगता है, फर्टिलाइजेशन में दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन कभी 4 दिन भी लग जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और अब आपको कब पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो उसके लिए बढ़ते हैं अगले टिप पे। सो मेरे बताए हुए सारे टिप्स को आपने फॉलो किया, एक्चुअली मेरे टिप्स नहीं है मेरे गायनेकोलॉजिस्ट के हैं, सो आप इनके सारे टिप्स को फॉलो करना। साइंटिफिक लॉजिकल चीजें ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, मैं रैंडम कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, जो इफेक्टिव भी हैं। सो पीरियड के 10वें दिन से लेके 25वें दिन तक हर एक दिन छोड़ करके इंटीमेट आप होते रहोगे तो अगला जब आपका पीरियड आने का डेट रहेगा ना उस डेट पे आप चेक करोगे जो किट आती है ना प्रेगनेंसी किट, आप उसमें फिर 3 ड्रॉप्स यूरिन की, फर्स्ट यूरिन अपने दिन का वो 3 ड्रॉप्स डाल दो, उसके बाद देखो कि 1 लाइन आ रही है 2 लाइन आ रही है, 1 लाइन आ रही है तो अभी थोड़ा और वेट करो, कुछ दिन बाद दोबारा चेक कर लेना, मे बी तब पता चल जाए, कभी कभी लेट भी पता चलता है। और अगर एक हल्की फेंट लाइन आ गई पिंक कलर की तब भी मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है, शो करने में टाइम लेता है, और अगर डार्क लाइन आ गई तो कांग्रेचुलेशन आप हो गए प्रेग्नेंट और डैम श्योर हो ही जाओगे ये सारे टिप्स को फॉलो करोगे, इनकेस अगर कोई और बॉडी में प्रॉब्लम दिक्कत ना हो तो बहुत वैल्यूएबल और एक्सपीरियंस के साथ मैंने आपको ये सारे पॉइंटर्स बताए हैं हाउ टू कंसीव फास्ट। इन सबको अगर आप फॉलो करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी गुड न्यूज दोगे, मुझे बताओगे कमेंट करके कि
मेरे टिप्स से आप प्रेग्नेंट हो पाए, ठीक है? और कोई आलतू फालतू के चीजें नहीं करनी आपको, बस इतना ही फॉलो करो, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप गर्ल्स टॉक, वुमेन, फैशन हैक, ब्यूटी, मेकअप से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपका नाम मैं फ्लैश करूंगी वीडियो के एंड में। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी लाइफस्टाइल ब्लॉग देखने के लिए मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।